हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मंत्री, आपका एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो इमोशनल वेलनेस कोच। अक्सर जब मैं न्यूमरोलॉजी की कोई पोस्ट करता हूँ या कोई क्लाइंट आता है तो लोगों के दिमाग में एक सवाल हमेशा होता है कि नेम न्यूमरोलॉजी से हमें क्या मिलेगा या नेम एनालिसिस क्यों करना चाहिए। नेम तो आपका बचपन से है, नेम की वजह से ही आपको सक्सेस मिला है, सब कुछ सही है, बट फिर भी नेम एनालिसिस क्यों करना चाहिए, इस सवाल का अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो आई वुड पुट इट दिस वे। आप जो नाम लेके चलते हो, जो भी आपका बर्थ नेम है, उसके अलावा लोगों के पास दो तीन नाम होते हैं जिस नाम से आप वाइब्रेट होते हो। चाहे सोशल मीडिया पर आप कोई भी नाम रख लो, वो आपका वाइब्रेशन नेम हो जाएगा। तो उस नाम से जब आप वाइब्रेट होते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उस नाम में जो जो पैरामीटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं कि वेदर इट इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ, वेदर इट इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप, डज इट हैव रियली अ सक्सेस फैक्टर, मनी फैक्टर कितना है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप नेम किसी भी नेम को डिज़ाइन करते हो या फिर जब आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से आपका नाम करवा के लेते हो। एग्जिस्टिंग नेम एनालिसिस में वही देखा जाता है कि जो भी आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इट कैन बी एनी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्यों है एंड उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है आपके नेम में थोड़ा बहुत चेंज करके, डेफिनेटली वो पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपके नाम में सक्सेस लेटर ही नहीं है, मनी लेटर नहीं है, फेम लेटर नहीं है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो दिक्कत आनी ही है, डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो इसीलिए नेम एनालिसिस करके उसके बाद में नेम करेक्शन का अगर ऑप्शन कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको देता है, सही न्यूमरोलॉजिस्ट, तो नेम करेक्शन लेना चाहिए। बिकॉज फाइनली यू आर बॉर्न विथ सर्टन लक, उस लक को एम्प्लीफाई करने के लिए आप न्यूमरोलॉजी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप दवाई लेते हो किसी भी बीमारी में ठीक होने के लिए, उसी तरह से आपको नाम जब आप चेंजेस कर देते हो, नेम चेंज करते हो, नेम करेक्शन करते हो, तो आपका लक एम्प्लीफाई होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ राइट नेम फॉर गेटिंग अ राइट सेट ऑफ सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो दोस्तों, आप भी आपका नाम डेफिनेटली किसी से भी, जो भी आपको सही में लगे, तो आप एक आपका नाम एनालिसिस कीजिए, करा लीजिए, अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है तो। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू।